गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आज की हमारी रीडिंग है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। इसके लिए मैं अलग अलग पाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी फैमिली, सेकंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर्थ स्टूडेंट, फाइव हेल्थ, लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। गाइस ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को लेकर, फैमिली के साथ मार्च 2022 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, आइसोलेशन पॉसिबिलिटी, ब्रेक थ्रू, आउटसाइडर, दी क्रिएटर। बॉटम टू डेक हमारे पास है पोस्टपोनमेंट। ओके, तो फैमिली को लेकर आप अभी हाल फिलहाल घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हो तो जा सकते हो गाइस, मार्च महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा घूमना फिरना फैमिली के साथ। ओके, और आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो, आप के अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ अनबन हो गई है तो वो मार्च में सुलझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जिस तरह की कार्ड आए हैं गाइस, आप अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हो, अपने सारे रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करने वाले हो और उसमें आप सफल भी रहोगी। ओके, और आपको लगता था कि मेरी फैमिली में मुझे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको खुद से ही इससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी फैमिली तो आपको हर तरह से पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रही है, मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उनको नेगेटिव पहलू के तरीके से ले रहे हो। आपका नज़रिया चेंज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी फैमिली जैसी भी है बहुत ही अच्छी है और आपको किस कुछ भी मुंह पर बोलती है तो आपको सुधारने के तरीके से ही बोलती है, बाकी कोई अनजान इंसान आपको मुंह पर बोलकर नहीं चला जाएगा, आपके अपने लोग ही मुंह पर बोलते हैं, जिससे आप के अंदर कुछ कमी हो तो आप अपने आप को सुधार सकते हो, तो वही वो कर रही है तो उनकी बात सुनिए। ओके, तो फैमिली के साथ मार्च महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको भी थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चले लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं, लव लाइफ में मार्च 2022 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। यूनिवर्स डिवाइन द स्टार, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, ओके, थ्री ऑफ कप, लास्ट कार्ड हमारे पास है द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ सॉर्ड। आपको साइन चाहिए तो एक्वेरियस है, एरीज है, जेमिनी, लिब्रा है गाइस, और कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। तो गाइस मार्च महीने में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, उनकी 24 आवर सोच आपके बारे में भी रहेगी, क्योंकि आपने कुछ तो किया है, मतलब आपने उनके साथ बातचीत करनी बंद कर दी है, या फिर बहुत ही कम बातचीत करते हो, या फिर कुछ वक्त के लिए आप मौन हो गए हो, किसी भी तरह का आपने कोई डिसीजन सॉलिड लिया है, तभी तो आपके पार्टनर एक उनकी जो एक सोचने की क्षमता है आपको लेकर वो बढ़ गई है और वो डगमगाने लगी है कि कहीं आप उनको छोड़ कर ना चले जाओ और आप कहीं किसी और के साथ ना हो जाओ और आप किसी और को ना पसंद करने लग जाओ। यही थॉट प्रोसेस मार्च महीने में उनके चलने वाले है और मार्च के एंडिंग में वो आपको लेकर एक सॉलिड फैसले के बारे में
लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप में से 10% लोगों के पार्टनर आपको लेकर एक अच्छा फैसला लेने वाले हैं, ओके। और वो फीमेल हो गाइस जो आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले रही है, तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाली है और उनका डिसीज़न किसी हद तक आपके फेवर में ही रहेगा, ओके। और मेल जो है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा ईगो दिखाएंगे, वो आपके पास आएंगे ज़रूर, वो आपको फ़ोन या मैसेज भी करेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में अपनी खुद की तरफ से कुछ नहीं दिखाएंगे और आपके सामने झुकेंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से आपके साथ बातचीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इस तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे और प्यार के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे। मैंने आगे कहा उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड रहेगा, इस वजह से वो झुकने के लिए उनको एक झिझक महसूस होगी, लेकिन वो रात रात भर रोने भी वाले हैं। मार्च महीने में वो आपको याद करेंगे तो उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूट गया, इस तरह से वो आप दोनों के बारे में सोचने वाले हैं और एक दूसरे के बारे में वो अपने बारे में और आपके बारे में सोचने वाले हैं गाइस। और यही है गाइस कि आप दोनों, आपकी सिचुएशन यही है कि आप इंतज़ार करते करते हुए थक गए हो, अब आपको लग रहा है कि ये मेरा पार्टनर मेरे लिए डिसीज़न नहीं लेने वाला है, इस वजह से आप अपनी एनर्जी को उनको इस तरह से दे रहे हो गाइस। आप जो सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर अब मेरे लिए कोई डिसीज़न लेने वाला नहीं है, तो ये जो आपकी एनर्जी उनके ऊपर जा रही है, क्योंकि आपका एहसास वो सुन सकते हैं और आप भी उनका एहसास सुन सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बातचीत करते होंगे। अब जो लोग मैरिड है उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको एक, उनका जो वलन रहेगा, बिहेवियर रहेगा, वो थोड़ा सख्त रहेगा गाइस, ओके। तो इसके लिए थोड़ा आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका जो एक अपने खुद को लेकर एक एटीट्यूड नज़र आएगा, इस वजह से आप थोड़े परेशान रहने वाले हो, लेकिन वो आपके लिए ही सब कुछ करेंगे तो वो बाद में आपको पता चलेगा, ओके। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन उनका आपके सामने नज़र आएगा, इस वजह से आप थोड़े दुखी भी रह सकते हो, लेकिन वो आपको खुश रखेंगे। मैरिड के लिए यही है कि वो आपको खुश रखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आप दोनों पार्टी या गेट टुगेदर कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ एक अच्छा पल भी बिता सकते हो। तो ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर को लेकर देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, कैरियर कैसा रहेगा मार्च 2022 में कन्या राशि के लिए। यूनिवर्स डिवाइन, ड्रूविड, होल्ड अ स्पेस, हाई प्रेस्टेज, हार्नेस मिस्टिक पावर, सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ओके। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, और ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, ओके। तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कैरियर में आपको अभी हाल फिलहाल आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके ऊपर आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपका पूरी तरह से 100% फोकस होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, तो आप जो कुछ भी चाहते हो अपने कैरियर को लेकर वो आपको मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो वो भी पास हो जाओगे, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको इतना फोकस भी दिखाना पड़ेगा, अपना डिटर्मिनेशन भी दिखाना पड़ेगा। और आपको कहा जा रहा है कि आप बीच बीच में एक
थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, जिससे आप अपने बारे में भी कुछ वक्त के लिए सोच सके, और थोड़ा अपने लिए स्पेस निकालिए जिससे आप और ज़्यादा कमिटेड अपने फोकस के लिए हो सके। यही आपके लिए है। और आपको कुछ, आपने पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ की है, वो गलतियाँ आपको अभी नहीं करनी है। यही आपके लिए आ रहा है। आपको जॉब में आगे बढ़ना हो, आप आपकी जॉब अभी हाल फिलहाल मार्च में बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जॉब चलेगी गाइस, तो इसके लिए आपका फोकस अच्छा रहना चाहिए और बिजनेस भी बहुत ही अच्छा बढ़ेगा गाइस। आपके सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। बस आपको कहा जा रहा है कि आपने पास्ट में जो भी इमेच्योरिटी में गलतियाँ की है, वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि बीच बीच में आपको थोड़ा स्पेस भी लेना है, अपने लिए थोड़ा वक्त भी निकालना है, जिससे आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने एक जॉब या बिजनेस के लिए, उसमें पूरी तरह से 100% दे सको। जो लोग जॉब चाहते हैं, इस महीने में उनको जॉब मिल जाएगी, और आपकी मेहनत भी बहुत ही अच्छी है, इस वजह से जॉब मिल जाएगी। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं कि मार्च 2022 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। स्टूडेंट के लिए वॉकिंग अवे, द टेंपल पाथ, पेशेंस, द वर्ल्ड, डोर टू रोमांस, बॉटम टू डेक हमारे पास है अटैचमेंट। तो स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप जितनी मेहनत कर रहे थे अपने स्टडी को लेकर, अभी हाल फिलहाल आपने रोक दी है। उतनी मेहनत अभी हाल फिलहाल नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मेरी एग्ज़ाम जो मैं देता हूँ या देती हूँ, वो जो मैं पढ़ता हूँ वो तो मुझे वहाँ आता ही नहीं है, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। और आप गॉड को भी अभी ब्लेम कर रहे हो कि गॉड आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता है, तो वो आपकी ही गलती है। आप क्यों मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों मुझे नहीं अच्छी तरह से स्टडी नहीं आ रही है, और आप कभी कभी जल्दबाजी भी करते हो, इस वजह से आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है गाइज़। तो आप खुद ही सोचो, ध्यान से ध्यान लगा के सोचो कि आप स्टडी करते वक्त बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, इस वजह से थोड़ी स्टडी आपकी जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो आपके इधर उधर हो जाते हैं। तो इस वजह से ही आपको जितना स्टडी को लेकर एग्ज़ाम में आना चाहिए वो नहीं आता है, तो वो आपकी ही गलती है, आपको ही सुधारने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको गॉड को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन आपको खुद के अंदर थोड़ा पेशेंस लाने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो वो आपको आ जाएगा। और आप वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो मन ही मन, तो उसके लिए भी बार बार बहुत ज़्यादा सोचते हो, और आप अपने फ्रेंड के साथ भी बहुत ज़्यादा फालतू का बेमतलब का वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो वो भी बंद कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है गाइस, आप स्टडी में अभी कम ध्यान दे रहे हो, तो स्टडी में ध्यान दीजिए, और गॉड का बेमतलब का नुक्स मत निकालिए कि गॉड हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। गॉड आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो वो इसके ऊपर फोकस कीजिए। भगवान आपके अंदर ही है, आप खुद के ऊपर जितना भरोसा करोगे भगवान आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो आपका खुद के ऊपर बिलीव बढ़ाने की ज़रूरत है, विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, और गॉड की कोई गलती नहीं है। आप ही अपनी तरफ से स्टडी में ज़्यादा फोकस नहीं हो, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है अपने फ्रेंड को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, वो थोड़ा कम कीजिए। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।
हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज मार्च 2022 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। यूनिवर्स डिवाइन हेल्थ वाइज सक्सेस, रिमाइंड पॉजिटिव विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। नो, टेक एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से एबंडेंस। तो हेल्थ आपकी मार्च महीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों की अभी हाल फिलहाल हेल्थ अच्छी नहीं है उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और बार बार यही नहीं सोचना है कि अच्छी होगी या नहीं। आप अपने खुद के लिए ट्रीटमेंट जो भी करा रहे हो, जो भी कर रहे हो, दवाई ले रहे हो, उसके ऊपर आपका खुद का विश्वास, बिलीव अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप पॉजिटिव रहेंगे अपने हेल्थ को लेकर तो बहुत ही जल्दी से जल्दी आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जिन लोगों की बहुत ही ख़राब हेल्थ है उनके लिए कहा जा रहा है कि कुछ महीने में वो आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। ओके, और आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है, आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने आप हेल्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरह से अपनी हेल्थ को लेकर फोकस रहना है और टाइम के मुताबिक दवाई लेनी है, कॉन्शियस रहना है तो, और खाना पीना ठीक रखना है तो हेल्थ पूरी तरह से अच्छी होगी। और आपको लग रहा है कि मुझे किसी प्रोफेशनल इंसान से मेरे हेल्थ को लेकर बातचीत करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एक नॉलेज मिलेगा। ओके, और एबंडेंस का कार्ड तो यही कहता है गाइस कि आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो रही है, इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है। ये है आपकी रीडिंग। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं मार्च 2022 में कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स डिवाइन पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से एरो, सरेंडर योर सेल्फ री प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है गाइस कि आपको आपकी सिचुएशन अभी डगमगा रही हो, इधर उधर हो रही हो, तो आपको शांत रहना है, कूल डाउन रहना है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ होता है, बदलता है और सब ठीक भी हो जाता है। समय के साथ बदलता भी है और समय के साथ ठीक भी हो जाता है, तो आपको शांत रहना है, शांत अपने आप को बनाए रखना है। और आपकी जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही हो उसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाना है, लेट गो कर देना है और गोइंग विद द फ्लो में चलते जाना है, वक्त के साथ चलते जाना है। ओके, यही आपके लिए गाइडेंस है। आपकी फैमिली को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो या फिर स्टूडेंट की लाइफ हो या करियर वाइज हो, आपको शांत रहना है और शांत तरीके से कोई भी डिसीज़न को लेकर शांति से सोचना है। आपको उखड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है और वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है खुद के अंदर और फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हाल फिलहाल आपको शांत बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, तो शांति बनाए रखे, अंदर आपके मन में भी शांति बनाए रखे और बाहर भी शांति बनाए रखे। किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है जिससे बात आगे बढ़े। और आपको कहा जा रहा है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखे, ये जो आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, वक्त चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस वक्त को निकालना है, बहादुर रहना है, ब्रेव बनकर रहना है, स्ट्रांग रहना है और सही रास्ते पर चलना है, यही आपके लिए गाइडेंस है। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को आपके आसपास के लोग क्यों
कितने भी नेगेटिव क्यों नहीं हो रहे हो, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखनी है और शांति बनाए रखनी है और अपने आप को काम महसूस कराना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, यही है आपके लिए। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।